अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने जुबान में रखे से तंदुरुस्ती के साथ। तो जनाब, ये है मेरा नेक्स्ट व्लॉग, जो व्लॉग मैंने उस दिन लास्ट टाइम अपलोड किया था उसका ये सेकंड पार्ट है। तो आइए देखिए मेरे साथ कि क्या क्या किया फिर। तो हमने सोचा आप थोड़ा सा बाहर निकल के ना शॉपिंग सेंटर के, तो थोड़ा सा हम थोड़ी सी फ्रेश एयर के लिए, तो ये देखिए पुलसा खड़िया ने थे। और कितनी नाइस, कितना नाइस है, है? तीन मैंने कहा कितनी अच्छी जगह है ये, बहुत जबरदस्त है, इधर आके रिलैक्स भी कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं बाहर बैठ के, वेदर बहुत अच्छा है। इधर आके ये देखिए वेदर, मैं कहती हूँ जबरदस्त हुआ पड़ा है आज ब्रिटेन का। लास्ट टाइम हम इधर आए थे तो ये सारा इन्होंने जैसे नकली ग्रास डाला हुआ था। मुझे याद है, मैं वही कह रही हूँ चेंज किया हुआ, लेकिन हम बहुत दफा आए हैं लेकिन अब बाइट नहीं आए कभी इस तरफ। इधर एक दफा ही आए हो, दूसरी तरफ गए थे जान बाइट, याद है ये? इधर नहीं आए। ये देखे, इधर देखे ऊपर ये बिग स्क्रीन लगाई हुई है उन्होंने, नाइस है। और ये जो हाउस देख रहे हैं ना, अपसाइड डाउन हाउस है। और इसके ना वो इसके ना अंदर टिकट जाके लेके ना, इसके अंदर टिकट लेके जाना पड़ता है, तो मे भी बच्चे जाएं अभी इसके अंदर, तो अगर गए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं क्या बाहर निकली है, जरा मैं कहनी बाबू साबू बन जाओ, चलते हैं कोई कपड़ों का खाते हैं। तो शॉप जो है वो बंद हो गई हैं, तो अब क्या है कि प्लान के अब कहीं जाते हैं, खाते हैं। क्योंकि फूड की शॉप भी सारी बंद है अंदर। और इधर वैसे भी हमारे मतलब का कोई फूड नहीं है जो कि हमें मिल जाए, स्पाइसी मैं कहनी हूँ पाकिस्तानी खाने है सब चीज़ें हैं इधर, लेकिन वो जैसे नहीं होती। तो देखते हैं, जहाँ जाते हैं आपको दिखाते हैं। Somebody might join us. लिफ्ट के अंदर है ना इसलिए। Doors opening. Come, Let's go. Freedom. लॉबी नंबर 9 थी। तो हम जनाब अब इधर आ गए हैं शॉपिंग सेंटर से शाज हलाल फूड पे। तो जब तक मेरा फूड रेडी हो रहा है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत चिट चैट कर लूं और आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिन से अपना व्लॉग जो है वो क्यों अपलोड नहीं किया। तो जनाब मैं बिज़ी थी, और क्योंकि हमारी फैमिली में शादी थी तो इस वजह से मैं जो है ना वो अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगी कि अपने जो व्लॉग है ना वो मैं रेगुलर बेस पर अपलोड कर दिया करूँ। ये देखिए जनाब, मज़े मज़े का जो हमारा फूड है वो रेडी हो चुका था। पाकिस्तानी भी बहुत खाते हैं स्पाइसी। अच्छा, बहुत ज्यादा खाते हैं। मैं भी ये सोचता था जब मैंने जाके मैं बांग्लादेशी दोस्त था। अच्छा, उसके घर जाकर खाया वो बहुत ज्यादा ही होता है। क्या बहुत सी है स्पाइसी। या ये चीज है जी। या हाँ जी, तो मतीन इधर आके रुक गए थे
कह रहे थे हमने यही खाना है आज, वो मिलेगा आपको भी ट्राई करना चाहिए। ये जो सॉसेस वगैरह डालते हैं ना इसके ऊपर, ये बहुत मज़े की हैं। और लेमन चिकन मिक्स लिया हमने, बहुत मज़े का है। क्या कहते हैं उसको, डिलीशियसो, डिलीशियसो, डिलीशियसो। तो ये हम आ रहे हैं वापस शॉपिंग सेंटर से, और फिर खाना वाना खाया है, तो साउथ हॉल के बीच में से गुजर के जा रहे हैं। तो मैं तुहानू जरा रौनकां दिखानी हाँ साउथ हॉल दियाँ। ये देखे जनाब साउथ हॉल अभी तक ओपन है, मुझे लगता है टाइम क्या है 9 बजने वाले हैं, 9 o'clock। जलेबी जंक्शन, इधर से हम लोग जलेबियाँ लेते हैं, लेकिन क्यों बड़ी लंबी होती है इनकी, बड़ी मज़े की जलेबियाँ आती हैं। ये देखें मैंगो शेंगो भी, ये नान दुकान जहाँ से हम नान लेते हैं फ्रेश वाले, ये है निराला स्वीट शॉप, मठाइयाँ शठाइयाँ ईदों पे, और ये है शनवारी और बट कढ़ाई। ये मैं आपको एक साइड दिखा रही हूँ जो मेरी तरफ है, जो तीन किस तरफ साइड है वो, ये देखें अम्बाला वगैरह है इस साइड पे, ऑपोजिट साइड है गिफ्टोज, ये सारी शॉप्स हैं। याद है ना हम ईद पे भी इधर घूमे फिरे थे तीन, ईद पे भी इधर घूमे फिरे थे और स्पेस नहीं मिली थी, फिर जाके वो रोमा में मिली थी, रोमा था कि रोमा था, रोमा उसमें। तीन आप क्या फील कर रहे हैं सारा दिन ड्राइव कर करके बेचारे, थक गए हो? थक गए हैं बस, घर जाके आप बस अच्छी सी चाय बना के पिलाऊंगी मैम तीन को, नाइस वाली कड़क चाय, कड़क एक बहुत जरूरी होता है खाने के बाद चाय। हम उधर रुके नहीं क्योंकि लेट हो गए हैं ऑलरेडी, तो फिर हमने कहा चलो घर जाकर पीते हैं।